तमाम देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं हूं रजबी, आप देख रहे हैं एएम रजबी। आज के अपडेट के बारे में बात करें। देखिए मैंने आपको एक वीडियो पहले दिखाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कुछ हिंदुओं ने जब मस्जिद पर हमला किया तो मुसलमानों ने उनको अच्छे तरीके से धो डाला। उसके अलावा आज के अपडेट के बारे में बात करें तो एक मुस्लिम पर जब हमला करने, एक गरीब पर जब हमला करने एक भगवादारी लोग पहुंचते हैं तो वो मुस्लिम जो है वो कट्टर मुस्लिम था और उसका जज्बा बेदार था। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं उस मुस्लिम की, एक ज़ईफ बूढ़े पर किस तरीके से बेरहमी से हमला करने के लिए ये भगवादारी इकट्ठा होकर जब पहुंचते हैं तो वो मुस्लिम अपने जज्बे को बेदार करे बैठा था। और जब ये भगवादारी पहुंचते हैं तो उसने लब्बैक के नारे बुलंद की, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। अभी वीडियो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं किस तरीके से मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों पर किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, लेकिन सरकार खामोश बैठी है। मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। बल्कि बात करें कि मुसलमानों की मस्जिदों के इमामों पर हमले हुए, मुसलमानों को किस तरीके से सताया जा रहा है और मुसलमान भी खाबे खरगोश में सो रहा है। मुसलमानों ना बदलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्ता तक बाकी ना रहेगी दास्तानों में। दोस्तों वीडियो की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको यहाँ वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ये भगवादारी लोग मुसलमान पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं, मुसलमान को सताने के लिए पहुंचते हैं, मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए पहुंचते हैं, तो ये मुसलमान अकेला लब्बैक नबी के नाम पर निकला है और ये कहता है कि हम हज़ारों होकर, आज मुसलमान हज़ारों होकर, इसका जज्बा कहता है कि हज़ारों होकर हम अपने घुटने टेक बैठे हैं, मुझे तो 313 का वो लश्कर याद आता है। मुसलमानों, इस मुसलमान ने 313 उस लश्कर की याद हमें दिला दी। देखिए किस तरीके से भगवादारियों के सामने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करता हुआ ये मुसलमान हमको नज़र आ रहा है और इस मुसलमान ने भगवादारियों को सही तरीके से धोया, उनकी औकात उनको दिखा दी, जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे उनकी औकात उनको बता दी। दोस्तों ऐसा सही, अगर मेरा हर एक मुसलमान जाग जाए, हर एक मुसलमान जाग जाए, अब गया दिन अभी शाम जिंदा है, ऐसा लगता है कि सद्दाम जिंदा है। और एक इंसान के मर जाने से कुछ नहीं होता, अभी हिंदुस्तान में मुसलमान जिंदा है। न बदलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्ता तक बाकी ना रहेगी दास्तानों में। मिलते आने वाले अपडेट के साथ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।